हाँ ये देखो जाली में पत्थर लटका हुआ है, किसी का हेलमेट भी लटका हुआ है उधर। भाई भैया ने कहा कि ऊपर से ना मिट्टी गिरता है, गाड़ी से मेरे लिए ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं अंदर से नहीं बाहर ही फॉग है, मुझे लगा अंदर से इतना कुहासा हो गया है। तो एक गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम नानीघाट आए हुए थे और फिलहाल हम नानीघाट से चाय की चुस्की मार के निकल चुके। चाय था 3 चाय 30 रुपए का, तो ये था चाय का एक छोटा सा टपरी जहाँ पे आप चाय और कुछ चखना पकना खा सकते हो। अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे टुवर्ड्स मलसेज, और मलसेज का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो सिर्फ 38 किलोमीटर है और 1 घंटे 4 मिनट 1 घंटे 4 मिनट 38 किलोमीटर के लिए इस रास्ते पे डेफिनेटली हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि भाई इतना ज्यादा फॉग है ना, ये कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो कैमरा गिर गया था तो जोश में कैमरा गिर गया था ना, तो अब धीरे धीरे करके यहां से आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को बोल के बोलो श्री अम्बे मात की जय। साइड कर लेते पहले ही भाई, बस से कोई रिस्क नहीं, बस को फुल इज्जत मिलेगा। हाँ जाओ भैया जाओ जाओ जाओ, ये तो एकदम पास आके पता चला, अरे ये तो बस है, ये तो कि सबका बाप है। ये रास्ता भी ना एक्चुअली पतला है, रास्ता तो क्या ही दिख रहा होगा, लास्ट ब्लॉग देख लो आपको पता चल जाएगा कि रास्ता एग्जैक्टली कैसा है। तो अभी भी यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट व्हीकल आ रहे हैं, ये सामने से भी नहीं, ये तो ठीक है वोक्सवैगन विंटो है, इससे निकल जाएंगे। थोड़ा सा हम ही उतार लेते हैं, हमारा ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ है ना, हमने ऑफ रोड कैपेबिलिटीज लिए तो पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए लिए, हमें क्या जरूरत है, हम तो कभी ऑफ रोड करते ही नहीं है। हमने 7380 रील्स बनाए यहाँ पे, मतलब गाड़ी में बैठे बैठे ही, क्योंकि बाहर बनाने की तो औकात नहीं थी ना हमारी, हम तो भींग जाते ना, हम तो वो है ना फूल कुमारी भींग के पिघलने लगते ना साला, भींग जाते मानसून में आए बे है, भींग जाते तब से क्रिप कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, ऐसे पैर देख रहे हो ना, पैर देख के समझ जाओ कि भाई हम भींग चुके हैं, हम बहुत भींगा, बहुत मजा आया। अभी हमने फिलहाल टेम्परेचर कर दिया 30 डिग्रीज, क्योंकि अंदर हमें थोड़ा सा गर्मी चाहिए था, गर्मी वैसे मनोज भाई भी बहुत हॉट है लेकिन आज गर्मी फेंक नहीं रहे, आज गर्मी फेंक नहीं, हमें लेफ्ट टर्न, हाँ हमें लेफ्ट टर्न लेना है यहाँ से, क्योंकि हम इस रोड से आए थे अब इस रोड से जाएंगे। हाँ हम अलग अलग रोड लेते हैं, प्रयास करते हैं ताकि आपको अलग अलग नज़ारे दिख पाएं, और अभी जब हम मलसेज भी जा रहे हैं ना तो अलग रोड से ही जा रहे हैं, तो आपको दोनों व्लॉग में सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी, व्लॉग बहुत अलग होता है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, कि लास्ट में बोलता हूँ, स्टार्टिंग में बोल दिया क्योंकि लास्ट का पार्ट तो आप स्किप कर देते हो ना। ये देखो यहाँ से पानी बह रहा है, ब्रिज पे रुकूं? अच्छा ऐसे ऐसे करके पूरा शीशा खोल लो, अरे खोल लो, अरे बारिश, अरे खोल लो ये देखो ऐसे करके ना, अरे थोड़ा सा खोलूंगा थोड़ा सा, ब्रिज का पानी दिख गया, हाँ दिख गया ये कितना मस्त लग रहा है भाई, हर जगह ना ऐसे ही पानी भरा हुआ है, गजब है यार, ग्रीनरी गजब है। पीछे देखो क्या जबरदस्त लग रहा है, हाँ आगे भी इतना ही जबरदस्त, साइड में भी आदमी समझ ही नहीं पा रहे ना, रोड पे कंसंट्रेट करे, साइड में देखे, राइट देखे, लेफ्ट देखे, जब तक मैं पीछे बैठा था ना हर तरफ देख रहा था भाई, अब क्या है ना कि सीधा कंसंट्रेट करना पड़ा, क्योंकि रास्ते पतले हैं ना, फॉर्च्यूनर के बराबर रास्ते हैं मतलब अपनी गाड़ी ना देखो ऐसे लग रहा है ना आपको कि भाई एक ही गाड़ी के जाने के रास्ते हैं, तो एक गाड़ी आती है तो थोड़ा साइड करना पड़ता है वो भी देख के। कुछ नहीं करेंगे, बाथरूम थोड़ी ना है कह रहे ना कि इसमें ना जो ब्रश लटकाने वाला था ना वो भी लटका दो, तो इसमें 2 कप कॉफी रख सकते हो, फिर तुम्हें कोल्ड रखना है, एक हॉट रखना, मतलब कि बाथरूम थोड़ी ना है कि जैगवार का फिटिंग लेंगे इसमें भाई। बहुत झन्नाटेदार रास्ते यार, मतलब रास्ते में क्या ही दिखाऊं, रास्तों का ही फन है भाई। देखो यहाँ पे ना तो डेस्टिनेशन हमेशा से बोरिंग रहेगा, डेस्टिनेशन पे पहुँच के इतना फॉग था, क्योंकि वो ऐसा डेस्टिनेशन है ना कि थोड़ा हाइट पे है तो फॉग बहुत ज़्यादा था, आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा, बट यार जो रास्ते हैं ना भाई वो आपके मेमोरीज में जिंदगी भर रहे। Thank you.
हम आ गए मेन रास्ते पे जहाँ पे ट्रक्स वगैरह चलते हैं और मालसेज इस साइड है। तो देखो बकरी की वजह से तो भैया जा ही नहीं पा रहे, पीछे ना कर ले बस। वेट करें बकरी को जाने का या भैया का वेट करें? भैया का ना, हाँ पीछे कर दिया तो भाई फिर बम्पर निकल आएगा। तो अब इधर अपने जाएंगे, इधर 11 किलोमीटर बस है मालसेज, और इसी रास्ते से हमें वापस आना है टुवर्ड्स पुणे, क्योंकि आज का रात का मेरा स्टे पुणे में रहेगा। रौनक भाई आज मुंबई चले जाएंगे एंड ये तो पुणे में ही रहता है। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि फॉग नहीं है, ले आ गया, देख लो जितना वाटरफॉल देखना है, कुछ नहीं दिखेगा भाई, बंद कर दो वीडियो। मैं तो कह रहा हूँ दूसरा का चैनल देखो। हाँ मेरे चैनल पे आपको फॉग के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। बताओ यार, मूड ही ख़राब हो गया। बताओ, इतना खुश थे, इतना कह रहे थे अरे दिखेगा, सामने वाली गाड़ी नहीं दिख रही, उतना दूर का वाटरफॉल घंटा दिखेगा। उधर थोड़ा सा वाटरफॉल दिख रहा होगा, चलो फ्रंट का डिफॉगर ऑन कर देते हैं, देखते हैं आ पाता है नहीं आ पाता है। ये देखो, ये देख रहे कितनी जनता ऊपर, हाँ भाई सारे भींग रहे हैं। या तो हम गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे ना, अगर अंडरवियर भींग गया तो। मज़ेदार भाई, ठीक है चाचा। और मुझे पता था कि यहाँ पर देखो टनल आएगा, लेकिन हम आपको एक राउंड आगे से घुमा के लाएंगे, कोशिश करेंगे कि दिखे। बाकी इधर पता है क्या, आपको जो दिख नहीं रहा है ना, वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, कम से कम 100 वाटरफॉल्स से ऊपर हैं और वो सारे बहते रहते हैं। लेकिन अब आपको क्या दिखेगा, देखो क्या दिखेगा, कुछ नहीं। मन की आंखों से देखना पड़ेगा। फ़ोटो लगा दूंगा, वही देख लेना, समझ जाना कि माल से जैसा ही था। जब ऐसा धुंध नहीं होता है ना तो वैसा ही आता है। बाकी अभी आपको ना रोड्स पे बहुत सारे आपको वाटरफॉल दिखते रहेंगे, मतलब कोशिश कर रहे हैं हम। ये देखो ऊपर से पानी गिर रहा है, झरना टाइप का। हाँ झरने के नीचे ले चले, हाँ ये कह रहे हो आप, झरने के नीचे ले चले तब पता चलेगा। देखो ये ऐसा, ये दिख रहा है, झरने के नीचे ले गया तो दिखा ना, देख रहे हो ये गिर रहा है। ये देखो इतना मस्त गिर रहा है। ये है पूरा मालसेज का मालसेज घाट। ये घाट इसलिए है भाई, यहाँ पे कहीं भी रहो एक नेचुरल शार है अपना। ये बाकी जाली वाली लगा हुआ है ताकि झरने के साथ पत्थर ना गिर जाए। पत्थर गिर गया तो दिक्कत है ना, देखो झरना जब तक गिर रहा है तब तक ठीक है, पत्थर गिर गया तो दिक्कत है। तो अपन थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ से आपको कुछ दिखा पाएं। अरे अरे बहुत ज़्यादा झरना था, आगे दिखाई नहीं ना। रुकना मना है? हाँ रुकना तो यहाँ मना ही होगा, रुके तो परमानेंट पता चला ऊपर ही चले गए। ये देखो ये भी एक वाटरफॉल, भैया लोग यहाँ रुक गए ना तो पूरा रोड जाम कर दिए हैं, यहाँ रुकना मना है। वैसे हम भी रुके क्या कहीं? नहीं मजाक कर रहा था भाई, हम रुक नहीं रहे, हम आगे चल रहे हैं। हम आगे से आपको दिखा के लाएंगे, दिखा के क्या ही लाएंगे आप देख लो अपनी मन की आंखों से। देखो एक झरना इधर दिख रहा है आपको, ये एक झरना सामने, ये वाला, ये झरना, ये भी झरना ही है, अभी दिख नहीं रहा सफ़ेद सफ़ेद। ये बहुत सारे ऐसे 100 से ऊपर हैं जो आपको ना एक लाइन से दिखते हैं, और जब आप दूर से देखो ना इनको तो ऐसा लगता है ना पहाड़ के बीच से किसी ने व्हाइट लाइन खींची हुई है, ऐसे सुंदर है यार। क्या जबरदस्त हो रहा है, यहाँ तो नहाना बनता है गाड़ी का। कितना तेज था ओ भाई साहब, कितने सारे हैं ना। चले जा रहे हैं। ये देखो ये भी एक है, सारे के सारे हाईवे पे रोड पे। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना तो लोग मतलब ट्रैफिक यहाँ पे मना कर दिया जाता है, क्योंकि ये सर ये एरिया ना रिस्की होता है। वैसे बारिश अभी भी बहुत ज़्यादा ही हो रही है। अभी सामने हम इन्हें यू टर्न मार लिया है, वापस से उधर जाके ना कुछ खाएंगे यार। देखो अभी क्या ही दिखाऊंगा भाई मैं, अब तो मैं क्या ही बोलूँ यार, कभी आता हूँ तो बारिश नहीं रहती, कभी आता हूँ तो इतनी बारिश रहती है कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ ये देखो जाली में पत्थर लटका हुआ है, किसी का हेलमेट भी लटका हुआ है। हेलमेट तो कोई काम कर रहा होगा उसका लटक गया होगा, लेकिन ये देखो पत्थर लटका हुआ है, देख रहे हो ऊपर से जो पत्थर गिरा है। ये ट्रक वाले भैया जल्दी करो, मरवाओगे तुम, पत्थर का वेट कर रहे हो। अरे ये देखो ऊपर पता नहीं क्या क्या लटका हुआ है, हाँ जाली में देख रहे हो क्या क्या लटका हुआ है। हाँ चलो इसके अंदर से ले चलते हैं, शरारती कम नहीं है ना, चाहे आगे कुछ दिख नहीं रहा हो, शरारत पूरा है हमारे दिमाग में। फॉग इधर तक नहीं आ रहा तो ये सामने का जितने वाटरफॉल्स है ना वो सारा दिख जाएगा। चलो यहाँ पे उतरते हैं भाई, थोड़ा अंदर बैठ के कुछ भोजन करते हैं। गाड़ी हमने दूर लगा दी है, वहाँ पे बहुत दूर, हमसे बहुत दूर है, और यहाँ पे नीचे जाने का भी रास्ता देखो। लेकिन नीचे फॉग कितना आपको दिख रहा होगा, ये
देखो दिखाता हूँ आगे जाके ना, ऐसे आवाज बहुत तेज आ रही होगी। ये देखो, ये भी तो एक लाइट का स्यापा है ना, लेंस पे पानी आ जाता है। देखो ये क्लाउड कैसे मूव हो रहे हैं। अभी तो फिर भी थोड़ा हटा है इधर से आपको। अब बारिश देख रहे हो, तुरंत बारिश इतनी ज़्यादा ना। यहाँ पे कुछ खाएंगे भाई, खाने के लिए रुके हैं। फिर रौनक सर भी अपने साथ कहाँ चल रहे हैं? पुणे। भैया बना दो 3 मैगी, मिर्च मत डालना ठीक है भाई। इतनी तेज़ हवा है ना, अगर ये नहीं रहे तो उड़ जाएंगे। ये सब बंद हो जाएगा, सब ऐसे रोड पे चला जाएगा। और ये इधर सामने टनल है, एक बार बाहर निकल के दिखा देता हूँ। देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं बारिश में भींग भींग के आपको टनल दिखाने के लिए ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये टनल है, गाड़ी दिख रहा आते हुए? हाँ अभी दिख रहा है, अभी सब बहुत चीज़ दिख रहा है। देख रहे हो भैया अभी कितने कैमराज लगे हैं? भैया ही बोलेंगे इतने कैमरा साला काम भी नहीं करने दे रहा है, पता नहीं क्या। देखो ये व्लॉगर्स, अरे रुको इसमें गंदा लग गया। ये व्लॉगर्स है ये काम नहीं करने दे रही। ये देखो अलग सिनेमैटिक चल रहा है यहाँ पे। उधर भैया अपना क्या बना रहे हैं? उधर मैगी बना रहे हैं। जाओ मैगी को भी यार। भैया निकले, आप निकलेक्ट तो नहीं कर रहे हो? नहीं 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 ना। हाँ ठीक है, हम आपका भी ले रहे हैं भैया, आप भी आओगे व्लॉग में। मैगी मस्त बन गया भैया, मिर्च नहीं डाला ना, सुबह याद आएगा आपका ठीक है। हाँ नहीं नहीं चाहिए आपका याद। हाँ भैया कह रहे हाँ आएगा आएगा, तू खा तो सही। बीच यहाँ पे मार हो गया है। ये देखो भैया पूरा गुस्से में दो, अरे यहाँ से भी लोग चले गए, यहाँ से भी लोग चले गए मारने के लिए। हाँ बोल रहे जाओ जाओ निकलो निकलो निकलो। लड़ाई हो गया भाई, गाड़ी वाले और ट्रक वाले भैया में लड़ाई हो। क्या हो गया भैया, क्या हो गया, क्या हो गया, हुआ क्या? उधर इधर इधर उधर उधर रॉन्ग साइड गया था ना वो। अच्छा वो रॉन्ग साइड गया था गाड़ी वाला ना। गाड़ी वाला, देखो गाड़ी वाले की गलती। देखो भैया ने थर्ड एम्पायर की तरह डिसीजन दे दिया है, गाड़ी वाले की गलती है और गाड़ी वाला जा नहीं रहा है, बहस कर रहा है। चलो हाँ गड्ढा है तो गाड़ी का क्या करेगा, ट्रक क्या करेगा भैया? इसको पता ही नहीं है कि गाड़ी 20-20 दिन सर्विस सेंटर में रहता है। हाँ दूध वाला है। अच्छा ये दूध है, ले ओ, मैं इतना देर से पेट्रोल समझा, मैंने कहा पेट्रोल डाल के आग लगा दो, कह रहे दूध की बर्बाद कर रहा उस आदमी पे। नहीं कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, इन्जॉय करो, सब इन्जॉय करो। अरे भैया बारिश का मजा लो, तुम कहाँ इतना लड़वा रहे। ये और इसके साथ ये, हाय हाय जबर कॉम्बिनेशन गुरु, जबर कॉम्बिनेशन। साथ साथ में हमने वो भी बोल दिया, कांदा भजी एक प्लेट दे दो भैया, इसके साथ ही खा लेंगे। अरे बहुत सही, दो प्लेट ज़्यादा हो जाता। भैया की हेल्प कर रहे हैं चाय बनाने में, क्योंकि हमारे पास तो और कोई काम नहीं है, गाड़ी हमारी बहुत दूर है, सुसू हमें बहुत तेज आई है, लेकिन यहाँ पे कहाँ जाएं। देखो बरसात में ना बाहर निकल के सुसू भी कैसे करेगा आदमी, भैया तो क्या करेगा, चाय बना लेगा, आपका हेल्प करेगा। चाय फ्री है ना भैया? हाँ फ्री है ना, चाय फ्री है अपना, विदाउट शुगर नहीं, शुगर फ्री नहीं, फ्री ना? ऐसा नहीं क्या है, शुगर फ्री बोला तो था। चाय पी लिया हमने और पानी देखो, मतलब अभी तक तो बारिश उतनी तेज नहीं हो रही थी, फॉग चला गया, मतलब उस साइड तो है, जो दिखाना था वो तो दिखा नहीं पाएंगे। और ये देखो गाड़ी तक पहुंच नहीं पाएंगे भाई, इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज। यहाँ पे रिकॉर्ड करने में भी ना मेरे हाथ, कैमरा, मतलब कैमरा तो क्या ही भींग रहा है, क्योंकि शेड के नीचे, ये शेड है ना इसके नीचे खड़े हुए हैं। क्या करेगा आदमी यार, भगवान जी ये तो गलत बात है ना। देखो आप पहले भी तो कर सकते थे बारिश, मतलब जब हम खाना खा रहे थे, अभी बंद कर देते गाड़ी तक पहुंच जाते। भाई भैया ने कहा कि ऊपर से ना मिट्टी गिरता है, गाड़ी से मेरे लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना शरीर भी नहीं। जल्दी से यहाँ से कट लेते भैया। ओ हो भाई क्या भीगे ना, ये देखो लेंस पे पूरा पानी आ गया है, पूरा हाथ भीग गया यार, मतलब आप तो देख ही रहे हो पानी कितनी तेज़ हो रहा है, पूरा सर्वर सब भीग गया। अब ये तो सीट भी पोछना पड़ेगा, जब हाथ पोछने से पहले हाथ भी पोछ ही लेते हैं तो बोलोगे यार सीट पोछ रहा है, हाथ तो पोछ ही नहीं रहा है, पर क्या करें भाई, लेदर वाली सीट है ना, ऐसे स्मेल आने लगेगी गंदा गंदा फंगस वाला। अरे भैया सटा के मत चलाओ, हाँ ये तो मिट्टी से बचाने के लिए हम पानी भीग, आप इसी को सटा रहे हो, गलत है। तो चलो भैया अब अपन यहाँ से चलेंगे सीधे पुणे, पुणे या पुणे जो भी है पुणे जाएंगे, और होटल वोटल तो कुछ बुक किया नहीं है, तो अभी वो होटल का भी देख लेंगे रास्ते में जब नेटवर्क आएगा, फिलहाल तो यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, यहाँ से लगेगा जी काफी दूर लगेगा। कंटिन्यू टू पुणे महाराष्ट्र, हाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत तेज हो गया, बहुत ज्यादा तेज हो गया, इतना तेज नहीं था पहले, नहीं था। ये देखो ना सामने वाला, देखो ना, हाँ ये तो मडी वाटर है, हाँ पूरा मडी वाटर है, तभी तो वो कह रहे थे भैया गाड़ी हटा लो, नहीं तो भैया पहाड़ गिर सकते हैं, गिर नहीं गिर सकते हैं, गिर गिर के जंगल गिर सकते हैं। क्या हो जाता है कभी कभी मेरे को। बहुत है, बहुत, यहाँ तो कैमरे में नजर नहीं आ रहा भाई, सारे जितने भी वाटरफॉल थे ना उसमें हमें लग रहा था पानी नहीं है, पतले पतले लाइन है, ये पता नहीं क्या ही बोल रहा था मैं व्लॉग में, वो तो एडिट करूंगा तब पता चलेगा, भाई पतले लाइन नहीं, समुंदर आ गया, उफान आ गया भाई उनमें,
इतनी तेज हो गई बारिश और अभी सर बता रहे हैं कि मालसेज घाट का एंट्री बंद हो गया है। बंद हो गया ये देखो मेरा भी गाड़ी आ रहा था फ्रॉम मुंबई मेरा ड्राइवर लेने के लिए, बट उसने बोला कि भाई रास्ता बंद कर दिया पुलिस ने बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। और यहाँ पे हैवी रेन्स तो आपको दिख ही रहा है, देखो आप क्या दिख रहा होगा भाई, हैवी रेन्स ये सामने ही दिख रहा है। यार ड्राइवर का हो गया आदान प्रदान, मनोज भाई गाड़ी चला रहे हैं, मेरे पैर इतने गीले हो गए थे ना, इतने गीले अजीब से ही हो गए यार, मतलब ये क्रॉक्स में ना पहने पहने पूरा पैर एकदम गीला ही हो गया। तो फिर ना पैर खोल के थोड़ी देर ऐसे पैर सुखा रहे हैं, पैर में अगर गीला गीला रहता ना अच्छा नहीं लगता यार। बाकी यहाँ भी अभी बारिश हो रही है, सुबह जब यहाँ से जा रहे थे तो बारिश नहीं थी, अभी तो हर जगह ही हो रही है भाई। तो फाइनली आफ्टर 300 करोड़ साल हम पहुंच चुके हैं वापस अपने होटल पे। ये सामने दिख रहा है हयात पैलेस, तो यहाँ पे रुक रहे हैं, हिंजेवाड़ी में इसलिए रुक रहे हैं बिकॉज यहाँ से ना NH8 पास है, तो जब भी मैं आता हूँ या जाता हूँ ना तो कोशिश करता हूँ कि इसी एरिया में रुक जाऊँ, क्योंकि ये तो बहुत दूर रहता है ना, बहुत दूर। कल कह रहे थे कि वहाँ आ जाओ, मैंने कहा होटल 24,000 रुपये का दिखा रहा है वो, पता नहीं कौन सा होटल, नो होटल का। कल एक्चुअली होटल के प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव थे, तो ये आज ठीक ठाक से रेट पे मिल गया, तो हमने कहा भैया यहीं रुक लेते हैं और यहीं से कट लेंगे सुबह। अब क्या करेंगे, डिनर विनर करेंगे नहीं करेंगे कैसे करेंगे वो तो आगे देखेंगे। आज गाड़ी को देख के लग रहा है ना कि भाई गाड़ी घूम के आई है, मतलब अभी फील हो रहा है हाँ मिट्टी विट्टी में घूम के आई है। चलो सर की भी गाड़ी आ गई है ये। अरे तो पहले क्यों नहीं बोले, उस समय जब खोजने जा रहे थे तो मजा ले रहे थे मेरा। 317। तो भैया प्लान ऐसा चेंज हुआ है कि वैसे तो मनोज भाई का प्लान था कि भाई घर जाएंगे, मैंने कहा मनोज भाई रुको यार तुम इधर मत भागा करो जी। ये है अपना रूम, हाँ ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम रूम टूर तो देना इम्पॉर्टेंट है ना भाई, क्योंकि हम तो इतने गंदे लग रहे हैं आप समझ जाओ, यहाँ नहाएंगे हम हाँ कल सुबह नहाएंगे, अभी तो बहुत ठंड लगेगी, फिर कपड़े चेंज करेंगे, पूरा कपड़ा गीला हो गया। और ये हमारा सामने वार्डरोब में कुछ है नहीं, एक सेफ है जिसमें हम कुछ रख नहीं सकते, तो कुछ ऐसा सेफ करने वाला चीज़ नहीं है ना, जो है गाड़ी है। बट ये चीज़ बहुत सही है यार, ये वाला जो चीज़ है ना कि सामने एक बड़ा सा मिरर है वो बहुत सही है, लाइट जला भाई, इतना कम लाइट में हमको मज़ा नहीं आता है, हमको चाहिए तेज लाइट। जला दिया ना अब सही लग रहा है, इसको भी जला देंगे थोड़ी देर में हाँ, ये भी जल जाओ हाँ, यहाँ पे बैठ के काम करेंगे ना। तो भैया ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है जो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए कल हम गोवा नहीं जा रहे। अभी तक प्लान था कि हम गोवा जाएंगे, लेकिन अब प्लान चेंज हो गया कि हम गोवा नहीं जाएंगे, अब हम कहीं और जा रहे हैं कल, लेकिन गोवा जरूर जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक और डेस्टिनेशन जा रहे हैं और उस चीज़ के लिए मनोज भाई रुक गए थे। तो अब कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा, जब सुबह में आपका फ्री ब्रेकफास्ट करेंगे ना वो आपको दिखाएंगे कि क्या दे रहे हैं हमें फ्री में, वड़ा पाव नहीं, वड़ा पाव नहीं देंगे, मेन्दू वड़ा, पूरी सब्जी, आपने तो क्या है ना कि फ्री ब्रेकफास्ट के नाम पर पूरी सब्जी खाते हैं, पूरा मेन्यू छोड़ के ना पूरी सब्जी देखते हैं, भैया पूरी सब्जी है, पूरी सब्जी आ करें तुम बाहर जाके खा लो यार। तो करते हैं इस ब्लॉग को यही पे खत्म, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब टू चैनल, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन प्लीज।